नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन लाए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से उनके आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। 49 का मीनिंग है कि रिस्पेक्टिव डोमेन की वो बात करता है। रिस्पेक्टिव डोमेन के लिए वो सारे फंक्शंस जो होते हैं इनवर्स नहीं होते हैं, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए होते हैं, नॉट रिस्पेक्टिव। तो मतलब ये फॉल्स है हमारा। और गलती क्या है, गलती ये है कि रिस्पेक्टिव डोमेन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके इनवर्स उनके पास होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के इनवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर सेक ये लिखा हुआ है सेक एक्स का होल स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 51, द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ देयर ब्रांच, नॉट नेसेसरी प्रिंसिपल ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो सकती है उसकी, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर इनवर्स फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। हम सर किसी भी उसके डोमेन से, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से निकाल सकते हैं, ट्रू है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देयर पॉजिटिव, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देयर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल करेक्ट कहा है, जितने भी हमारे वैल्यूज होती हैं तो वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है तो वो फंक्शन की ग्राफ जो एक्स और वाई की एक्सिस होती हैं तो वो इंटरचेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच टैन इनवर्स इज वैलिड इज 5। तो देखते हैं, अगर टैन बोथ ये टैन इनवर्स एक्स जो है उसको हम उस साइड में ले जाते हैं तो आएगा एन अपॉन 4 इक्वल टू इज ग्रेटर tan pi by 4, यहाँ पर हमारे पास है tan pi by 4 की वैल्यू है 1, हो गया 1, हमारे पास आया n अपॉन 4 इज ग्रेटर 1, मतलब आ गया n by 5 pi, यहाँ पे n by pi, n इज ग्रेटर टू pi, n जो है ग्रेटर टू पाई होगा, तो सिंपल वे में पाई की वैल्यू हो गई 3.14। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी n की 4, नॉट 5, तो हो गई आपकी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 3। बिल्कुल करेक्ट है, साइन पाई बाई 3, पाई होगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 6, सॉरी ये पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई आपकी कॉस पाई बाई 6, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका √3/2, इसकी वैल्यू हो गई √3/2, और साइन इनवर्स √3/2, मतलब ये √3/2 आपकी है साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन पाई बाई साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 3। दिस इज करेक्ट।